नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। जबलपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की सभा के साथ ही कांग्रेस ने मिशन 2023 का बिगुल फूंक दिया है। इस बार भी कांग्रेस महाकौशल को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती, मगर बीजेपी कांग्रेस के इस मिशन में किस तरह से लगा पाएगी सेंध, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का पूरा फोकस महाकौशल की 38 सीटों पर है। यही कारण है कि बीजेपी कांग्रेस के नेता लगातार महाकौशल क्षेत्र में दौरा कर कार्यक्रम कर रहे हैं। एक ओर मध्य प्रदेश के जबलपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी आज जबलपुर में जनसभा से सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। ये जो रिश्वत राज चलाया है इन्होंने, जिसकी वजह से जब आपको कुछ भी चाहिए होता है, चाहे आप नौकरी के लिए जाते हैं, चाहे आप छोटे से छोटे काम कराने के लिए निकलते हैं, तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो ये जो रिश्वत राज है इनका, जो घोटाला राज है इनका, इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविष्य को क्या होगा, ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहां मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला, कितने सारे घोटाले हैं। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पूरे शहर में प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए पोस्टर लगाए गए थे। प्रियंका गांधी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ पिछले 18 साल से गलत हो रहा है, आपका इस्तेमाल हुआ, आपका शोषण हो रहा है। अब 18 सालों में आपने सब कुछ देख लिया, घोषणाएं देख ली, असलियत देख लिया, टीवी में विज्ञापन देख लिए, असलियत देख लिया, बड़ी बड़ी होर्डिंग देख लिए, बड़े बड़े इवेंट देख लिए और सच्चाई देख ली। तो अब आप तय करिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है कि नहीं, करना है कि नहीं, करना है। अपने देश प्रदेश को विकसित बनाना है कि नहीं, अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना है कि नहीं, बनाना है ना। तो मन बना लीजिए, मन बना लीजिए, 6 महीनों में चुनाव है। कांग्रेस के ये हैं वादे, हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, 100 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी, मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, किसान कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के इस दौरे पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने उनके दौरे को छलावा बताया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हर बार प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है, इस बार प्रियंका आई हैं और वो दोबारा जनता को झूठे वादों से छलने का काम कर रही हैं। 5 साल पहले राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, कांग्रेस की सरकार आई, किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने 1 महीने पहले कर्नाटक में बजरंग बली का विरोध किया, आज बजरंग बली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंग बली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। प्रियंका जी, आप संस्कारधानी में आई और आपके कार्यकर्ताओं ने उसी संस्कारधानी में संस्कारों को तार तार किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया था, 2023 में भी कांग्रेस इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। दूसरी तरफ महाकौशल को जीतने के लिए बीजेपी ने भी अपने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर पूरी स्टेट कैबिनेट को उतार रखा है। ऐसे में प्रियंका गांधी के इस दौरे से कांग्रेस महाकौशल क्षेत्र में बीजेपी को जबरदस्त काउंटर देने की प्लानिंग कर चुकी है।
भोपाल से टीवी 24 के लिए जीएस गोविंद की रिपोर्ट। तो महाकौशल का महारथी कौन होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे डिबेट लाइव में। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है, बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ी है। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान जी हमारे साथ इस डिबेट में है। फराह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी भी इस चर्चा का हिस्सा। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फराह जी, महाकौशल पर एक बार फिर से कांग्रेस ने फोकस करना शुरू कर दिया है। इसके पहले हमने देखा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनाओं को पहली किश्त यहां से जारी की, जिस पर आपकी पार्टी ने पलटवार भी किया। लेकिन आज जब प्रियंका गांधी इस जबलपुर में पहुंची और उसके बाद एक बड़ी सभा को संबोधित किया, कई बड़ी घोषणाएं भी उन्होंने की हैं, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस भी बीजेपी की तरह महाकौशल पर इतना फोकस अब कर रही है? क्या पिछले बार के जो नतीजे थे उससे इतर बेहतर करने की उम्मीद है, या फिर इस बार आपको लग रहा है कि कहीं कुछ कमी है जिसे पूरा करने के लिए अभी से जो शुरुआत है वो करनी होगी? बहुत ही अच्छे थे हम, लेकिन इस बार हमारा उससे भी 10 सीटें हम लेकर आएंगे। और रही बात बीजेपी के तर्ज पर काम करने की, तो ऐसा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी हमेशा ही जनता के हित में काम करती है, जनता को ध्यान में रखते हुए काम करती है। हाल ही में एक दिन पहले शिवराज जी ने जो लाडली लक्ष्मी योजना का आयोजन किया था, आपने भी देखा होगा, उसमें जो जनता थी, जो महिलाएं थी, वो कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। महिलाओं को संजो कर रखने के लिए, बांध कर रखने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अब तो वो नौटंकी करना भी शुरू कर दिए हैं, वो डांस करना भी शुरू कर दिए हैं। ये किससे इंस्पायर्ड होकर ये सब कर रहे हैं, ये आप और हम सभी जानते हैं। और आज का जो प्रियंका जी का प्रोग्राम, वो आपने वो भी देखा होगा, जनता का जो जनसेला प्रियंका जी को समर्थन में आया था, वो प्रोग्राम में ही नहीं, सड़कों पर नहीं, पूरे शहर में हर तरफ जनता नजर आ रही थी कांग्रेस के समर्थन में। हर तरफ जाम लगा हुआ था, इतना ज्यादा पूरे प्रदेश भर से लोग प्रियंका जी को सुनने के लिए और कांग्रेस के समर्थन के लिए आए हुए थे। और रही बात लाडली लक्ष्मी योजना की, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है, जो एक नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, तो ये सब हथकंडे अब नहीं चलेंगे, जनता अब जान चुकी है। आप ये बताइए, 18 साल से आपकी सरकार है, तब आपकी बहनें लाडली नहीं थी, तब ये लाड़ प्यार क्या आपको सिर्फ अपने बच्चों पर, अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर आपको लाड़ आ रहा था? आप खुद करोड़पति अरबपति बने, आपके नेता बन गए, आपके बच्चे फॉरेन में एजुकेशन ले रहे हैं, और जनता क्या कर रही है? जनता भूख से मर रही है, जनता आत्महत्या कर रही है, महिलाओं का रेप हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं, बच्चों की शिक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं है, पेपर लीक होते हैं। जनता को आपने ये सब दिया है और अपने पेट भर रहे हैं। अभी तक तो ये 50% की सरकार थी, लेकिन अब हाल ही में जो महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार अभी उजागर हुआ है, उससे तो ये साबित हो गया है कि ये सरकार 80% कमीशन की सरकार है। अब ये सब होने के बाद जब आप भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप किस मुंह से जनता के बीच? प्रियंका गांधी ने भी इन तमाम बातों का जिक्र अपने संबोधन में किया है। हम रुक कर लेते हैं मंजरी जी का, उनसे जवाब भी ले लेते हैं। मंजरी जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जबलपुर से ही लाडली लक्ष्मी बहना योजना की जो पहली किश्त है वो जारी की थी, और आज जबलपुर में ही कांग्रेस का एक मेगा शो था। प्रियंका गांधी पहुंची थी, सभा को संबोधित किया। कांग्रेस इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है और साथ ही कह रही है कि जो 2018 के नतीजे थे उससे इतर इस बार के नतीजे आएंगे और बेहतर होंगे। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए जी, जन जन लाडले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा बहनों की चिंता की है उन्होंने। जितनी भी योजनाएं उसमें से ज्यादा योजना है वो बहनों के लिए है, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, और अब चाहे वो लाडली बहना हो। हम अभी फरहा जी कह रही थी जी, शायद मैं नाम नहीं ले रही हूँ, फरहा जी जी, अभी जी कह रही थी कि उनको पहले याद नहीं आई। पहले से हर साल महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई है, केंद्र की सरकार लेकर आई है। लाडली लक्ष्मी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, कन्यादान योजना, जनधन योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, ऐसी कई कई सारी योजनाएं हैं जिन्हें हम गिनाने बैठेंगे ना तो आपका समय कम पड़ जाएगा डिबेट के लिए। तो महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए, अब वो लाडली बहना योजना लेके आए। आप सोचिए, एक घर घर जाकर हमारी बहन जो काम करती है, 1,000 रुपए उसकी जिंदगी में कितना मायने रखता है। मेरे घर दीदी जो काम करने आती है, आज सुबह जब वो आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी हम शाम को, हमें छुट्टी दे दीजिए, हम शाम को काम पर नहीं आएंगे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों,
बोले हमारे भाई ने हमें 1,000 रुपए दिए हैं, हमारे घर में शादी है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं। तो ये महिलाओं में उत्साह है। अभी आप मेरी बहन कह रही थी कि उनके प्रोग्राम में भीड़ नहीं थी। भीड़ आपने जो खाली कुर्सियां दिखाई वो कौन से वीडियो का दिखाया है? मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो देखा खचाखच भरा हुआ था पूरा जो ग्राउंड था। और माननीय शिवराज सिंह जी को चुनने सुनने के लिए महिलाएं बेताब थी। कई महिलाएं तो इतना संवेदनशील हो गई थी कि उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी जिन्होंने हमेशा बहनों की चिंता की, मध्य प्रदेश की इस धरती पर बहनों को जो सम्मान मिला है मैं समझती हूँ अन्यत्र कहीं नहीं मिला। ये झूठे प्रोपेगेंडा फैला के इससे कुछ नहीं होने वाला। अब प्रियंका जी आई, वो कह रही थी पिंक कार्ड लेकर आ रहे हैं। पिंक कार्ड? कौन सा पिंक कार्ड ले आई? क्या ले आई महिलाओं के लिए? कौन सी योजनाओं की घोषणा कर दी? क्या घोषणा कर दी? और मैं ये समझती हूँ, मैं तो हमेशा महिलाओं के पक्ष में बोलती हूँ और हमेशा महिलाओं के बीच में काम कर रही हूँ। ये जो जो ये डिवाइडेशन है कि पिंक और ब्लू कलर, पिंक महिलाओं का कलर और ब्लू ये कलर, तो ये क्यों है? ये आप क्यों खाई करना चाहती है एक पुरुष और एक महिला के बीच में? हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, हम समानता की बात करते हैं कि एक पुरुष और एक महिला में कोई भेद नहीं है, दोनों को बराबर का बराबर की हिस्सेदारी होना चाहिए। आप वहां ये भेद कर रही कि महिलाएं पिंक कलर से है और पुरुष ब्लू कलर से है, तो मैं इन सब चीजों का विरोध करती हूँ। और रही बात प्रियंका गांधी जी ने जो आज महाकौशल से शुरुआत की, जो उन्होंने नर्मदा जी की आरती की, फिर हनुमान जी वेशभूषा करके उन्होंने किसी को बुलाया, रामचंद्र जी की जय, आज आपको हिंदू होने होने का नाटक क्यों करना पड़ता है? अपने आप को साबित क्यों करना पड़ता है कि हम हिंदू हैं? क्योंकि आपकी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति रही है और इस कारण ही आज आप कांग्रेस जो है वो अपना वजूद तलाश रही। चलिए हम रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का। संजय जी, दोनों ही पक्षों को आपने सुना और दोनों ही कार्यक्रमों को आपने देखा भी है। एक तरफ जहां लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है किश्त की मुख्यमंत्री ने जबलपुर से की, वहीं जबलपुर से ही आज प्रियंका गांधी ने औपचारिक तौर पर कांग्रेस का चुनावी शंखनाद कर दिया मिशन 2023 का। 38 सीटें इस महाकौशल के अंतर्गत आती हैं और पिछले बार जब हम इसके पहले भी चर्चा कर रहे थे 2018 में काफी अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का इन सीटों पर रहा था, लेकिन क्या इस बार लगता है कि बीजेपी भी उतनी मजबूती से दावेदारी करना चाह रही है और कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी? कितना आश्वस्त कांग्रेस को होना चाहिए? जी संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संजय जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। फराह जी, मंजरी जी कह रही हैं कि इस बार कांग्रेस के हाथ से महाकौशल जा सकता है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जब चुनाव आते हैं तभी आप हिंदू होने का दिखावा क्यों करते हैं? साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, हिंदू होने का दिखावा तो ये लोग करते हैं, ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, लोगों को बांटते हैं, ये काम ये करते हैं। और करते क्या हैं कि कैसे हिंदू हैं जो इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इस तरह की बातें करने की हिम्मत कैसे कर लेते हैं। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील है, तो उनकी संवेदनशीलता मैं आपको बता दूं मैडम, अभी ढिंडोरी में हाल ही में कन्यादान योजना हुई थी, आपके संवेदनशील मुख्यमंत्री की छत्र छाया में आदिवासी बच्चियों का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया, ये इनकी संवेदनाएं हैं बच्चियों के प्रति। योजनाओं की आप बात, आपने ढेर सारी योजनाएं गिना दी जो कि कांग्रेस की ही योजना है, तोड़ मरोड़ के आपने उनको नाम देकर बदल के जनता के बीच पेश किया है, वो भी सारी आपकी योजना फिसड्डी साबित हुई है। और वही योजना आपकी लाडली लक्ष्मी योजना भी अगले 2-3 महीने में फिसड्डी साबित हो जाएगी। ये जवाब दे मंजरी जी, आपके ही नेता कबूल कर चुके हैं कि कोई बजट नहीं है, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, मैंने बीच में नहीं टोका, जवाब भी ले लेंगे। पिंक कार्ड की प्रियंका गांधी कौन सा पिंक कार्ड ला रही है, तो वेट कीजिए, वो पिंक कार्ड हम आप तक भी पहुंचाएंगे, आप मुझसे संपर्क कर लेना, आप देख लेना कौन सा पिंक कार्ड। चौथी बात, आपने कही कि पिंक कलर को बांट दिया है, मैडम आप भी एक महिला हैं, हमारी पार्टी ने या प्रियंका जी ने किसी पर थोपा नहीं है पिंक कलर, आपको भी पता है कि लड़कियों का महिलाओं का सबसे फेवरेट कलर पिंक होना बात मत करिए, आपको मौका दिया जाएगा तब आप बोलिए, ठीक है? आपने भी हर चीज में कलर बांटे रखे हैं, भगवा रंग आपको, आप तो धर्म के नाम पे लोगों को बांट अपने भगवा रंग के बाद आप कहते हैं जी।
मेरे पास चलिए अपडेट होने दीजिए ठीक है ना, फराज जी, कलर में जवाब ले आप लेते हैं, मैं फिर आपके पास कलर में आऊंगा। अरे आपके बताइए राशन कार्ड के कितने कलर हैं, ये कलर आपने नहीं बनाया क्या? चलिए जवाब भी ले लेते हैं फराज जी, जवाब ले लेते हैं, तमाम आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। मंजरी जी आपका जवाब इस पर। जी जी फराज जी, जी मंजरी जी जवाब दें। अरे फरहा जी आप भी पढ़े लिखे, राशन कार्ड का आप उदाहरण दे रही हैं, राशन कार्ड का उदाहरण महिला और पुरुष में नहीं बांटा गया, राशन कार्ड का उदाहरण कैटेगरीज वाइज बांटा गया है, ये कलर है सामान्य राशन कार्ड का, ये कलर। आप गलत वे पे जा रहे हैं, आप सोचिए पहले इसके बाद बोलिए। और रही बात आप योजनाओं की बात कर रहे हैं कि ये सब झूठी योजना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि कांग्रेस जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ी जब 2018 में, तब कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ? उनकी इस घोषणा के कारण, उनकी इसका जवाब के कारण, आप इसका जवाब सुनिए, आप जी फराज जी मैं आऊंगा आपके पास फिर से एक बार, आपका रुक करेंगे हम। मंजरी जी आपकी पहले बात पूरी करें, जी बात पूरी करें मंजरी जी। जी फराज जी मैं फिर से आपका रुक करूंगा, मंजरी जी आपकी बात कंप्लीट करें जो आप कह रही थी। कमल पटेल, आपके कमल पटेल जानकारी लीजिए, सदन में सबके सामने उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कमलनाथ जी की सरकार के दौरान हुआ है। चलिए मंजरी जी जवाब दें, मैं फिर से आपका रुक करूंगा फराज जी। मंजरी जी आपकी बात पूरी करें जो आप कह रही थी। कल राजगढ़ में कार्यक्रम होने वाला है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, जिसमें कृषि मंत्री जी भी रहेंगे, जिसमें राजनाथ सिंह जी भी रहेंगे। तो उस समय किसानों का जो डिफॉल्टर हुए, जिनकी ब्याज 2-2 लाख रुपए तक हो गए, उनका जो ब्याज है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माफ करने जा रही है। आप अपनी जानकारी अपडेट कीजिए फरहा जी, और जब आपकी सरकार 15 महीने के लिए जब मध्य प्रदेश में आई, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी, कन्यादान योजना बंद कर दी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, ऐसी सारी योजनाओं को उन्होंने बंद किया, किसानों को भ्रमित किया, महिलाओं के साथ अन्याय किया। और आप इस तरीके की बात करती हूँ, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, हमारी सरकार ने तो आप जैसी महिलाओं के लिए फेवर किया, हमने 3 तलाक का कानून लेकर आए, हम सोच समझ के शब्दों का यूज जी, कीजिए। मैडम आप ये महिलाएं हैं, आप जैसी महिलाएं क्या, आप कैसी महिलाएं हैं, आप कैसी? चलिए चलिए हम विषय पर रहें, मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा हम विषय पर रहें। चलिए हम रुक कर लेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का। संजय जी जिस तरह से अब महाकौशल पर कांग्रेस एक बार फिर से फोकस कर रही है, हालांकि बीजेपी से तो पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी योजना का शंखनाद यहां से कर दिया है, कितना अहम महाकौशल इन दोनों ही पार्टियों के लिए माना जाए? देखिए इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023-18 के बाद जो महाकौशल में जो कांग्रेस को लाभ मिला जी, उसका उसका नतीजा रहा कि वो 2018 में सरकार बना पाई। अब रही बात 23 की, तो अब 23 में हर कोई अपने अपने गांव, अपने अपनी क्षेत्र, अपने अपनी पॉलिसी के साथ काम कर रहा है जी। और इस पॉलिसी के तहत महाकौशल में जो राहुल गांधी ने चुनाव अभियान का शुभारंभ किया और उसके कारण जो सरकार आई, तो उससे उनको लगा कि कुछ क्षेत्र हमारे लिए ज्यादा एनर्जी दे सकते हैं, हमको ज्यादा सीटें दे सकते हैं जी। तो इस कारण से आज का जो दौरा था प्रियंका गांधी का जी, वो स्पष्ट संकेत था कि महाकौशल में और जो हिंदुत्व की जो बात है, एक्चुअल महाकौशल में खासतौर से संस्कारधानी में माँ नर्मदा के तट है बहुत सारे, उनके कारण यहाँ की जनता, यहाँ के लोग माँ नर्मदा को जीवनदायिनी, माँ नर्मदा को बहुत मानते हैं जी। तो उस हिंदुत्व कार्ड के नाते उस वर्ग को जीतने के कारण प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस ने एक ये प्लान से काम किया जी, कि नर्मदा जी का पूजन करेंगे, फिर रानी दुर्गावती जो गौण शासक थी रानी दुर्गावती जी, उनकी प्रतिमा पे उनने माल्यार्पण किया, उसके बाद उनने सभा को संबोधित किया जी, तो सभा में योजनाएं लॉन्च की जी, और जो आदिवासी वर्ग है या जो नर्मदा के भक्त है उनको जो मैसेज देना था वो प्रियंका गांधी ने किया जी। और यही कारण था कि एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि हम महाकौशल में, क्योंकि महाकौशल का जो क्षेत्र है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला जबलपुर होता है जी, और संभाग का प्रमुख जिला जबलपुर है जी, तो उसका उससे पूरे संभाग को मैसेज देना था, उसके उससे पूरे महाकौशल को मैसेज देना था जी। इसके नाते
प्रियंका गांधी या कांग्रेस ने ये किया है जिसमें उनको ये लगे कि हम आपके साथ है। और अब देखिए कि लगातार हिंदुत्व की बात हो रही है, हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, अब उसकी परिभाषाएं बदल गई। हार्ड हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व और आध्यात्म, ये क्या है? मतलब राजनीति में विकास पीछे रह गया है, ये सब चीजें आगे आ गई हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। भाजपा ज्यादा हार्ड हिंदुत्व की बात कर रही है, उसके तहत कांग्रेस भी यही प्लान पे काम कर रही है, क्योंकि अब जो बहुल है, जो हिंदुत्व और बहुमत का जो जो क्राइटेरिया है, उसमें हिंदू सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक है। इसके नाते प्रियंका गांधी ने वही किया, शिवराज जी भी वही कर रहे हैं। तो कहने की बात है कि दोनों दल विकास पीछे हो गया है, हिंदुत्व, धर्म, आध्यात्म और जाति, इसके तहत टारगेट अपनी जगह है। तो मैं समझता हूँ ये लक्ष्य के तहत प्रियंका गांधी का दौरा कांग्रेस द्वारा सफल मान रही है, आगे देखने में समझ में आएगा कि दौरा कैसा रहा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही है। लेकिन मंजरी जी, प्रियंका गांधी ने आज पांच कई बड़ी घोषणाएं की हैं जो हमारे सामने भी हैं, कि हर महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, 100 यूनिट की बिजली मुफ्त होगी और 200 यूनिट की बिजली हाफ होगी। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा कांग्रेस ने किया है अगर सरकार बनती है। इसके अलावा किसान कर्ज माफी का काम जो है उसे पूरा करने की भी बात कही है। तो ये पांच बड़ी घोषणाएं जो प्रियंका गांधी ने कही हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो वो पूरी होंगी, लेकिन इसके काट में बीजेपी की तरफ से अब क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, ऐलान वाली बात नहीं, हम कुछ काम कर रहे हैं जनता के लिए, काम कर रहे हैं। हमारे जो मार्गदर्शक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने जो अंत्योदय जो एक, लेकिन इन घोषणाओं को किस तरह से पार्टी देख रही है, इन घोषणाओं को किस तरह से आपकी पार्टी देखती है? उन्होंने जो मार्ग दिखाया था, आज हमारी सरकार है उसी पर काम कर रही है। रही बात प्रियंका जी की घोषणा की, तो इनकी घोषणाओं के मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि पिछले चुनाव में भी इन्होंने घोषणाएं की थी, उसका क्या हुआ वो आपने देखा। अब ये कह रहे हैं कि हम 1500 रुपए देंगे। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, कांग्रेस की जो सरकार है वो 60 साल इस देश में राज किया, कांग्रेस की सरकार, तब इन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं चला दी थी? आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की नारी के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए जब 1000 रुपए उनके बैंक खातों में डाले, तो ये तिल मिला है। इन्होंने उस योजना के एवज में बोली लगा दी कि हम 1500 रुपए देंगे। तो ये एक चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है इस तरीके से इनकी। और आज जो ये जबलपुर में आई, तो जिस तरीके से उन्होंने पूरा जो दिखावा किया, जो नाटक किया, वो इनसे उससे उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी का कौन सा जादू चल गया था जो यहाँ चल जाएगा? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और यहाँ की राजनीति में और कर्नाटक की राजनीति में बहुत फर्क है। प्रियंका गांधी जी अभी इन बातों को समझना उनको बहुत जरूरी है कि 60 साल में कांग्रेस का क्या ऐसी उपलब्धि रही। उनको वो कार्ड लेके आना चाहिए था कि हमारी सरकार थी तो हमने ये काम किया महिलाओं के लिए, जवाब आज तक वो इस काम को नहीं गिना पाएंगे। फराज जी, बीजेपी कह रही है कि ये तो सिर्फ महज घोषणा है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होने वाला। देखिए, 60 साल की आप बात कर रही हैं मैडम, तो मैं आपको बता दूं, आप दिल पे हाथ रखकर बोलना कि आप जिस स्कूल में पढ़ी हैं वो किसके किस सरकार के जमाने में बना था, जिस हॉस्पिटल में आप पैदा हुई होंगी वो किस सरकार ने बनाया था। इस तरह की फिजूल के ये 60 साल में जाने का जो रट्टा आप लोग लगाते हैं ना, ये छोड़ दीजिए, कम से कम डिबेट में तो आप ये मत किया कीजिए। दूसरी बात, आपने बोला मेरी बात सुनिए, मैं चुप बैठी थी तब से। जी, फराज जी आपकी बात पूरी करें। करना आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री का काम है। प्रियंका जी का आप आज का पूरा भाषण सुन लीजिए, बिल्कुल दिल से उन्होंने सच्चाई से एक एक बात रखी है। और जनता से भी एक कहा है कि आप सच का साथ देना, उन्होंने कोई उन पर प्रेशर नहीं बनाया है, धमकी नहीं दी है, जैसे आपके नेता धमकी देते हैं कि वोट नहीं दिए तो देख लेना, तो ये होगा, समझें। और दूसरी बात, आपने बोला कि आपकी जो योजना है, मैं महिलाओं की क्या की, ऐसी महिलाओं के लिए आरोप नहीं लगा सकती है। इस तरीके की धमकी जनता को कौन देगा? जनता भगवान होती है और जनता ही डिसीजन करेगी और जनता आपको दिखाएगी रास्ता। जनता है तो जो आपने धोखा देके 2018 में सत्ता में आए थे, आपके ही मंत्रियों ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि आप दोहरी मानसिकता, कांग्रेस की छल की राजनीति कर। कांग्रेस की योजना थी जननी सुरक्षा योजना, भी कांग्रेस की योजना थी, आपने उन्हीं योजनाओं का नाम बदल के
अपनी योजना का नाम बदल दिया है, बस योजनाएं कांग्रेस की ही है। आपकी उज्ज्वला योजना का क्या हुआ आप बताएंगी? कितनी बहनें उसका लाभ ले रही हैं? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आपकी उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं, उस संवेदना को, उस दर्द को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लेकर आए, जिसमें हमने फ्री कनेक्शन और फ्री गैस सिलेंडर दिए। रही आप कह रहे हैं स्कूल की बात की, जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, सुनिए जी आप, अब आप सुनिए, आपने जवाब मांगा है तो सुनिए ना, बोलती जी जी। मंजरी जी आपकी बात पूरी करें, फिर संजय जी करो करेंगे जी। सुनिए जी, तो आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं आपको बता दूं 2003 के पहले इस मध्य प्रदेश में 56,000 स्कूल थे। आज आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 1,02,000 स्कूल आज इस मध्य प्रदेश में है। सीएम राइज स्कूल, छात्रवृत्ति, अगर हमारी लाड पैदा होती तो पैदा होते आपकी बात पूरी पैदा होते उसको सहायता दी जाती है। जैसे ही वो छठवीं क्लास में पहुंचती है उसको 2,000 रुपए, नवीं क्लास में पहुंचती है 4,000 रुपए, इवन साइकिल से लेकर उसके विवाह तक की चिंता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने देखा है, बहनों के दर्द को समझा है, क्योंकि वो एक बहुत ही जमीनी नेता है और वो सारे दुखों को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है। पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं जी, और हम लोग हमेशा जनता के बीच में जाने वाले लोग हैं, हमेशा महिलाओं के बीच में। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का भी हम रुख कर लेते हैं। संजय जी, दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, अपनी घोषणाएं हैं, लेकिन इस बार महाकौशल की जनता किन मुद्दों के आधार पर मतदान करेगी? जी जी संजय जी, दोनों ही पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं महाकौशल में, वो कौन से हावी हो सकते हैं? एक्चुअली मुद्दे तो कांग्रेस के अपने हैं, भाजपा जी की जो मुद्दे जो केंद्र के हैं जी जी, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे भी कांग्रेस ले रही है जी, और क्योंकि इससे आम जनता का कनेक्शन है जी। और आपको याद होगा कि अभी जो कर्नाटक में चुनाव हुए थे जी, तो कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने मैसेज दिया था कि हम स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे जी, ताकि राष्ट्रीय मुद्दे, तो राष्ट्रीय मुद्दे तो अपनी जगह है जी, लेकिन स्थानीय मुद्दे जो है जी, खासतौर जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, और अभी जो कांग्रेस ने जो प्लान किया है वो उसमें एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो जिले स्तर पर घोषणा पत्र बना रही है, उसमें साफ है कि जो जिले के मुद्दे हैं चाहे वो खनन के हों, रोजगार के हों, बेरोजगारी के हों और अन्य जो मुद्दे हों जी, वो सारे उस घोषणा पत्र में जोड़े जाएंगे जी। ये जो मुद्दे हैं, आप मुद्दों पे बात हो रही है, और कांग्रेस में अभी हाल में पवन खेड़ा आए थे, उन्होंने भोपाल मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। अभी तक बीजेपी हिंदुत्व पे बात करती है या अन्य धर्म, राम मंदिर और इस पे बात करती है, या हमने जो 370 हटाई इस पे बात होती है, तो इससे हटके बात होना है। इस कारण से अब जो मुद्दे हैं स्थानीय, जैसे अभी आपको याद होगा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो इन्होंने नर्मदा एक्सप्रेस वे की बात की थी, नर्मदा पथ की बात की थी, नर्मदा कॉरिडोर की बात की थी, उसके लिए एक बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन सरकार बदल गई और काम नहीं हुआ। जब काम नहीं हुआ तो फिर वो मुद्दे जीवित हो गए, तो आप 2023 में भी वही मुद्दे रहेंगे जी। और जो अनाउंसमेंट है, वो अनाउंसमेंट तो है ही, 1500 रुपए महिलाओं को, 500 रुपए गैस सिलेंडर, बिजली हाफ, 100 यूनिट फ्री और बाकी हाफ, तो ये मुद्दे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन खासतौर से ये मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी कांग्रेस तरीके से उठाएगी, बिल्कुल। तो स्थानीय मुद्दे भी इस बार के चुनाव में काफी हावी रहेंगे, हालांकि देखना होगा कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन कितना बेहतर होता है और क्या बीजेपी इसमें सेंध लगाने में कामयाब हो पाती है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए, आपका धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।